हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंकिता और इस वीडियो में बात करेंगे कोजी केयर स्किन वाइटनिंग सोप की। ये सोप क्या काम करता है? जैसे कि इसका नाम ही बोलता है स्किन वाइटनिंग, तो क्या ये सच में स्किन को वाइटन करता है, लाइटन करता है, आपके शेड्स को और ब्राइटर करता है, आपको गोरा रंग देता है? क्या इस तरह के जो भी क्लेम करता है वो सच में ये काम करता है या नहीं, और इसमें क्या मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ है या क्या इसमें इंग्रीडियंट्स हैं जो कि सच में आपके स्किन को लाइटन करती है, वो सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में जानेंगे। ये कहाँ से मिलेगा, आपको कितनी बार इसे यूज़ करना है रिजल्ट्स के लिए, तो सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, फुल इन्फॉर्मेशन लेकर ही जाइएगा। तो कोजिक स्किन वाइटनिंग सोप के मेनली कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे कि कोजिक एसिड है, अर्ब्यूटिन है, विटामिन ई, विटामिन सी। तो कोजिक एसिड क्या होता है? जो मेलानिन का प्रोडक्शन होता है उसे प्रिवेंट करता है। हमारी बॉडी में मेलानिन नाम का एक प्रोडक्ट सब्सटेंस होता है, जो कि अगर बढ़ता है बॉडी में तो हमारा जो स्किन शेड है वो डार्क होता है, वो डल होता है। लेकिन अगर मेलानिन का प्रोडक्शन कम होता है, कम से कम मेलानिन बनता है हमारे बॉडी में, तो हमारा जो स्किन का रंग है, जो शेड है, वो ब्राइटर होता है, लाइटन होता है, स्किन चमकती है, गोरी दिखती है। ठीक है, तो कोजिक एसिड क्या करता है? मेलानिन के प्रोडक्शन को कम करता है। और दूसरा इंग्रेडिएंट है अर्ब्यूटिन। अर्ब्यूटिन क्या करता है? जो भी डार्क पैचेस होते हैं, पिगमेंटेशन होते हैं, एक्ने स्पॉट्स होते हैं, डार्क स्पॉट्स होते हैं, किसी तरह का दाग धब्बा है, तो उसे वैनिश करने में हेल्प करता है, उसे लाइटन करने में हेल्प करता है। और बात आई विटामिन सी की, तो विटामिन सी हम जानते हैं हमारे स्किन के लिए, हेयर के लिए, सबके लिए काफ़ी अच्छा होता है। सिट्रिक एसिड हमारे जो भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उसे लाइटन करने में अच्छा होता ही है। और बात आती है विटामिन ई की, तो विटामिन ई इज़ अगेन गुड एलिमेंट, गुड विटामिन फॉर हेयर, स्किन, नेल्स। तो विटामिन ई इसमें है, जो कि ऑल्सो नरिश करते हैं हमारे स्किन को और हाइड्रेट रखने में भी हेल्प करती है। तो ये जो सोप है वो क्लेम क्या करता है? वो ये क्लेम करता है कि एंटी एजिंग क्रीम है, सोप है, सनस्क्रीन से प्रोटेक्शन देता है, आपको जो डार्क स्पॉट्स है उसे लाइटन करता है, और आपके स्किन को हाइड्रेट रखता है। तो इस तरह की बहुत सारी क्लेम्स करता है। अब ये जो सोप है, नॉर्मल जो सोप आते हैं उसी तरीके से इसका ये बार है, वाइट कलर का, ऑफ वाइट है, और ये लेदर प्रोवाइड करता है, यानी कि जब आप इसे यूज़ करेंगे तो ये झाग देगा ये। ठीक है, ये लेदर फ्री नहीं है, ये आपको झाग देगा। और बात है फ्रेग्रेंस की, तो फ्रेग्रेंस इसकी थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो जब मैंने इसे यूज़ किया था तो मुझे थोड़ा सा यूज़ करने के बाद ड्राई लगा था, जबकि मेरी स्किन जो है वो कॉम्बिनेशन स्किन है। तो ड्राई स्किन वाले थोड़ा सा इसे देख कर ही यूज़ करें, और वैसे भी जब आप इसे यूज़ कर लें तो आप एक अच्छे मॉइस्चराइज़र का ज़रूर यूज़ करें, ज़रूर करें, क्योंकि मॉइस्चराइज़ करना स्किन को काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब बात करें ये कहाँ से मिलेगा। ये आपको किसी भी कॉमर्स साइट से मिल जाएगा, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी है, मीशो पे भी है, स्नैपडील पे भी है, और अगर आप लोकल स्टोर से लेना चाहें, जैसे दवाइयों की दुकान होती है, वहाँ पे भी आपको मिल जाता है। बहुत बात करें इसके MRP की, इसके प्राइस की, तो MRP है इसकी 100 रुपीज़, और जब आप इसे ऑनलाइन चेक करेंगे तो आप ऑफर्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें कि आपको 60 या 70 रुपीज़ तक ये मिल जाता है। तो मेरे लिए तो थम्स अप है, मैं आपको रिकमेंड भी कर सकती हूँ कि आप इसे यूज़ करें, बाकी इट्स अप टू योर स्किन। आप सबके स्किन अलग होती है, सबके ऊपर चीज़ें ट्राई जो हम करते हैं उसका रिजल्ट अलग होता है, तो आप ट्राई कर सकते हैं, और जो भी आपका रिजल्ट होगा आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आपको और किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू चाहिए, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।